अधिकार 70-70 साल तक किसने छीन कर रखा था? ये कांग्रेस पार्टी और एनसी ने, ये पीडीपी ने छीन कर रखा था। मोदी जी ने तय किया कि कांग्रेस को जो कहना है वो करे, एनसी को जो करना है वो करे, हम पहाड़ियों को आरक्षण देंगे देंगे और देंगे। जब आरक्षण दिया तो ये फारूक साहब ने हमारे गुर्जर भाइयों को उकसाना शुरू किया कि आपका चला जाएगा, आपका चला जाएगा, आपका चला जाएगा। 70 साल पिछड़ गए आप लोग, कैसे आगे बढ़ोगे? यहां सारे पहाड़ी भाई बहन है, हिंदू है, मुसलमान है, मैं सभी को कहना चाहता हूं, पहाड़ियों को आरक्षण मिला उसमें आपके नेता रहना का बड़ा रोल है, बड़ा रोल। ऐसे पीछे पड़ गया था कि जैसे ये काम उसके घर का हो। दो बार तो मैंने बेचारे को डांट भी दिया तो उसने कहा, साहब आप पहाड़ियों की दिक्कत को नहीं जानते हो। और रैना ने जब पहाड़ियों का आरक्षण दिलाया तब मुझे मालूम पड़ा, कल ही मैं घूम कर आया हूं 6 जगह पहाड़ी क्षेत्रों में, कि यहां कितना कठिनाई है। और भाइयों बहनों, आपका ये अधिकार 70-70 साल तक किसने छीन कर रखा था? ये कांग्रेस पार्टी और एनसी ने, ये पीडीपी ने छीन कर रखा था। पहाड़ियों को आरक्षण नहीं देने देने का इनका फैसला था। मोदी जी ने तय किया कि कांग्रेस को जो कहना है वो करे, एनसी को जो करना है वो करे, हम पहाड़ियों को आरक्षण देंगे देंगे और देंगे। भाइयों बहनों, जब आरक्षण दिया तो ये फारूक साहब ने हमारे गुर्जर भाइयों को उकसाना शुरू किया कि आपका चला जाएगा, आपका चला जाएगा, आपका चला जाएगा। मैं आया था रजौरी में, कहकर गया था गुर्जर बकरवाल का 1% भी कम नहीं होगा और पहाड़ियों को मिलेगा। आज मैं कहना चाहता हूं, शिक्षा और नौकरियों में गुर्जर बकरवाल का 1% कम करे बगैर हमारे पहाड़ी भाइयों को आरक्षण देने का काम हमने। और आज आप सभी लोग तो इससे खुश हो, मगर मैं बताकर जाता हूं, सिर्फ आरक्षण से तो एंट्री होती है, इससे क्या होता है? आपका बच्चा 70 साल पिछड़ गए आप लोग, कैसे आगे बढ़ोगे? हमने तय किया है कि चुनाव समाप्त होते ही पहाड़ियों को रिजर्वेशन, हम प्रमोशन में भी रिजर्वेशन देने का काम करेंगे। और भाइयों बहनों, ये रिजर्वेशन मिलते ही आपके बच्चे सिर्फ कलेक्टर और डीएसपी नहीं बनेंगे, चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी तक बनने का काम ये भारतीय जनता पार्टी कराए। हमने तो ये कर दिया। ये कांग्रेस एनसी का एजेंडा क्या है? उन्होंने कहा है कि जो आरक्षण दिया गया है गुर्जर बकरवाल, पहाड़ी, वाल्मीकि, दलित, ओबीसी, ये पूरे आरक्षण पर हम पुनः विचार करेंगे। राहुल गांधी अमेरिका में जाकर कहते हैं अब इनका विकास हो चुका है, इनको आरक्षण की जरूरत नहीं है। राहुल बाबा, आप और उमर उल्टा होकर सीधा हो जाओ, आरक्षण रहेगा रहेगा रहेगा, हम आपको हटाने नहीं देंगे।